सन 2009 में बरेली में रहने वाले रामवीर सिंह जी के एक दोस्त को कैंसर हो गया, जिसका कारण था केमिकल भरा खाना। रामवीर सिंह जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि क्या हम खेती को इस तरीके से नहीं कर सकते जिसमें केमिकल भरे खाद का ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े और कमाई भी ज्यादा हो। शुरू में तो इन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करी, लेकिन फिर दुबई गए और वहाँ एक एग्रीकल्चर इवेंट में इन्हें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में पता चला। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मतलब एक पीवीसी पाइप के अंदर पौधों को उगाया जाता है जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके रामवीर सिंह जी ने अपने 3 मंजिला मकान से शुरुआत करी और आज साल का टर्नओवर 70 लाख से ज्यादा होता है और ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसे देखने के बाद तुम कोई लाखों रुपया महीने नहीं कमाने लग जाओगे, बल्कि हमें तो आपको सिर्फ जानकारी देना है, क्योंकि जिस तरह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होती है लेकिन इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उसी तरह और भी बहुत सारे टाइप्स की फार्मिंग यानी कि खेती की जाती है जिसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फार्मिंग। इसमें होता कुछ ऐसा है जैसा कि आपने क्रिश 3 मूवी के अंदर देखा है। अपना हीरो है क्रिश और विलन कौन था? काल, है ना। लेकिन आपने अगर एक बात नोटिस करी होगी कि काल के पास एक लेबोरेटरी थी जिसके अंदर कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स थे, जैसे कि किसी की जुबान बहुत लंबी निकल रही है तो किसी के भागने की स्पीड बहुत तेज है तो कोई अपना रूप बदल रहा है। इन सभी कैरेक्टर्स को नाम दिया गया है मानवर, यानी कि इनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मानव और जानवर के डीएनए को मिक्स किया जाता है तो मानवर बनता है। अब ये तो हो गई फिल्म की बात है। GMO फार्मिंग भी कुछ ऐसे ही लैब के अंदर की जाती है जिसमें 2 अलग अलग सब्जियों के डीएनए को लिया जाता है और दोनों से मिलाकर एक नए बीज का निर्माण होता है। जैसे बचपन में हमने सिर्फ गोल करेले ही देखे हैं, लेकिन मार्केट में अब लंबे करेले भी आते हैं। ये सभी इसी फार्मिंग के एग्जाम्पल्स है। एक करेले और लौकी के बीज के मिश्रण से एक लंबे करेले की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है प्रेसिशन फार्मिंग। ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें किसान अपनी फसल उगाने के लिए वायरलेस सेंसर्स नेटवर्क, रोबोट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स को बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट किया जाता है और इसमें लगे वायरलेस सेंसर्स की मदद से पता चल जाता है कि किस जगह कितना खाद डालना है, किस जगह इरिगेशन की जरूरत है, कहां पर हमारा प्रोडक्शन रेडी हो गया है, कहां से हार्वेस्ट करना है। इस सारी चीजों को ड्रोन्स की मदद से पता लगाया जा सकता है। चाइना, ब्राजील और जापान जैसे देशों ने ड्रोन्स को फार्मिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है। बेशक इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि शुरुआत में इस फार्मिंग में अच्छी खासी मोटी रकम लगानी पड़ती है, लेकिन इसके आउटपुट भी अच्छे ही मिलते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल फार्मिंग, यानी कि पौधों को जमीन पर उगाने की बजाय खड़े पाइप के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए जाते हैं और उनमें इन पौधों को उगाया जाता है। इसे करने के फायदे ये है कि जमीन पर तो आप सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही पौधे उगा सकते हैं, जबकि वर्टिकल फार्मिंग में तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइट बढ़ाते जाइए और पौधे लगाते जाओ। इसके अलावा इसमें फायदा ये है कि जब इस फसल को बाहर भेजना होता है तो इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता जैसे कि खेत की फसल में करना पड़ता है कि पूरी फसल काटो और उसके बाद ही बाहर भेज सकेंगे, जबकि वर्टिकल फार्मिंग में तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1-2 ट्राय बाहर निकालो और भेज दो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब पीवीसी पाइप के अंदर मिट्टी ही नहीं है तो फिर ये पौधे इतनी तेजी से उगते कैसे हैं? तो इस सवाल का जवाब भी बहुत ही सिंपल है। ये उदाहरण एक्वापोनिक फार्मिंग का है जिसे आप इस डायग्राम की मदद से बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें नीचे लगा हुआ है एक टैंक जिसके अंदर हम उन सारी 16 प्रकार की चीजों को डाल देते हैं जो कि किसी भी पौधे को उगने के लिए चाहिए, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और भी बहुत सारी चीजें। ये सब मिलाने के बाद पंप के जरिए पानी को ट्रे तक पहुंचा दिया जाता है। जब ट्रे पूरी तरह से भर जाती है तो इसमें एक ओपनिंग भी कर दी जाती है जिससे पानी वापस टैंकर के अंदर आ जाता है और इसी प्रोसेस को दिन भर चलाना पड़ता है।